morning, students. How are you all? We are fine, ma'am. So, are you ready for today's activity? Yes, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. So, Adi, what is sound? My sound is a roza. रोजे की हकीकत क्या है, क्या मकाम है इस्लाम में रोजे का? मैं रोजा का मतलब इस्लाम में तीसरा पिलर होता है। वेरी गुड, साउम इज द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। वेरी गुड। सो अफसा, आप हमें बोलिए कि हदीस मुबारक में रोजे की क्या फजीलत बयान की गई है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सही से रोजे रखेगा उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सही, सही बुखारी की रिवायत है कि फरमाया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा, जो मुसलमान सच्चे ईमान से, सच्चे अकीदत से रोजा रखे उसके सारे गुनाह माफ किए जाते हैं। वेरी गुड। तो सौदा, आप हमें बोलिए कि रोजा हम किस महीने में रखते हैं? वेरी गुड। ये जो हम रमजान में रोजा रखते हैं ये किस दर्जे की अमल है? वेरी नाइस। मगर क्या सौदा आप पता है कि फर्ज रोजों के अलावा भी रोजे रखे जाते हैं? तो क्या हम एक की मिसाल जान सकते हैं आपसे? सुन्नत रोजा। वेरी गुड। तो सुन्नत रोजों की आप हमें मिसाल दे कि कब रखते हैं हम सुन्नत दर्जे का रोजा? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ हम जान रहे थे कि रोजा किस दर्जे की अमल है और किस महीने में रखा जाता है। तो आप हमें बोलिए कि आपको पता है कि कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जिनमें रोजा रखना हराम है? तो कितने दिन है वो जिनमें रोजा रखना हराम है? 5 दिन। तो कौन कौन से है वो दिन? वेरी गुड, जिनमें रोजा रखना हराम है।